शकुंतला है, मैं आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन संबंधित CITU की राज्य महासचिव। हरियाणा भर की 52,000 वर्कर हेल्परों से मेरी अपील है साथियों, 8 दिसंबर से जो हमारा आंदोलन शुरू हुआ था वो आज भी जारी है, क्योंकि जिस उम्मीद से हमने आंदोलन शुरू किया था, सरकार 4 साल बाद जो है अर्धकुशल कुशल मजदूर दर्जे से बिल्कुल मुकर गई है, और 1500-750 जो मानदेय बढ़ोतरी केंद्र सरकार ने की थी वो मांग अभी हमारी अधूरी है। चाहे एक्सीडेंटल डेथ का जो सरकार ने घोषणा किया, हमारा उसमें ये कहना है कि नॉर्मल डेथ आशा वर्करों की तर्ज पर नॉर्मल डेथ पर भी 3 लाख रुपए हमारी वर्कर हेल्पर को मिलने चाहिए। इन मांगों को लेकर जो सरकार ने मांग माननी है उनका हम स्वागत करते हैं, लेकिन उनके नोटिफिकेशन जारी हो और जिन मांगों को लेकर हमने आंदोलन शुरू किया था उन मांगों को पूरा किया जाए। इसलिए हरियाणा भर की तमाम आंगनवाड़ी वर्करों से मेरी अपील है, लामबंद होते हुए सभी बहनें जो हैं 5 जनवरी को करनाल के अंदर राज्य स्तरीय जो रैली है आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर की तालमेल कमेटी के आह्वान पर, उस रैली में सभी बहनें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपनी रैली को मजबूत करते हुए, अपने आंदोलन को मजबूत करते हुए अपनी मांग मनवाने का काम करें। आप तमाम साथी जो है इस रैली को मजबूत करें और अपने आंदोलन को मजबूत करते हुए आगे बढ़े। आपकी साथी शकुंतला।